सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। द कपिल शर्मा शो में होली स्पेशल एपिसोड में तीन हास्य कवि शिरकत करेंगे। इनमें अंजुम रहबर, अरुण जैमिनी और प्रदीप जोबे शामिल हैं। शो में हास्य कवियों के साथ कॉमेडी का तड़का भी लगेगा। होली के माहौल में कॉमेडी शो में खूब धमाल मचने वाला है। ट्विटर पर शो का प्रोमो शेयर किया गया है, जिसमें कपिल शर्मा ने तीनों कवियों के साथ देर से शादी होने का मजेदार किस्सा साझा किया है। कॉमेडियन ने कहा, जब भी मैं किसी लड़की को देखने जाता था, उनके माता पिता मेरे करियर के बारे में पूछते थे, जिसके जवाब में मैं कॉमेडियन कहता था। फिर मुझे हमेशा से अजीबोगरीब सवाल सुनने को मिलते थे, जैसे कि कॉमेडियन हो वो तो ठीक है, लेकिन आप पैसा कमाने के लिए क्या करते हो। कपिल का ये जवाब सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। बकौल कपिल, यही वजह थी कि मैं हमेशा रिजेक्ट हो जाता था। सभी को लगता था कि मैं अपनी इस कला से रोजी रोटी नहीं कमा सकता हूँ और ना ही अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ। कॉमेडियन कपिल शर्मा के इस वाक्य को सुनने के बाद कवि अरुण जैमिनी ने हंसते हुए कहा, मेरी सास मुझसे आज भी यही पूछती है, रिश्तेदारों को मेरे करियर के बारे में क्या बताना है। वो अभी तक इस बात को नहीं पचा रही है कि मैं कविता लिखकर पैसा कमाता हूँ। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।